हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लक्ष्मी नगर में एक और अनलिमिटेड डील, और इसमें आपको मिलेंगे 20 प्लस आइटम्स। इन 20 आइटम्स में चाइनीज के भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, नॉर्थ इंडियन भी होगा और मीठे में भी कुछ होगा। तो हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस है और मीठे में कौन सी चीज है। तो यह है गोयल बूफे का प्यारा सा आउटलेट। यहाँ पे लक्ष्मी नगर में एक और काफी फेमस बूफे है, काव्या बूफे के नाम से। ये गोयल बूफे उन्हीं की सेकेंड ब्रांच है। एंड बाहर आपको ये बोर्ड भी लगा हुआ दिख जाएगा जिस पर आपको सारी आइटम्स लिखी हुई मिलेंगी जो जो आपको बूफे में मिलेंगी। तो चलिए आइए एक बार काव्या बूफे की जो दूसरी ब्रांच है गोयल बूफे, उनके ओनर से बात करते हैं। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? अभिषेक भैया। तो भैया, ये गोयल बूफे को ओपन हुए कितना टाइम हो गया? अभी अराउंड 6 मंथ हो गए। 6 मंथ हो गए हैं। और इसमें क्या क्या आइटम्स मिलते हैं, कितने आइटम्स मिल जाते हैं इसमें बताएंगे? इसमें 20 आइटम 20 आइटम्स टोटल मिल जाते हैं। और कुछ स्वीट्स में भी होता है, तो चाइनीज वगैरह में गुलाब जामुन मिलता है, बट वो कंडीशन है कि वन थाली में एक ही पीस मिलेगा, एक ही बारी मिलेगा आपको। वो अनलिमिटेड आप रिफिल नहीं करते? वो रिफिल नहीं करते। बाकी जितनी चीजें आप अनलिमिटेड ले सब कुछ अनलिमिटेड। तो एक बार इसकी भैया लोकेशन बता देना, किसी को यहाँ पे आना हो तो कैसे आते हैं? अगर आप आना चाहते हैं तो अब मेट्रो स्टेशन से अगर आते हैं मेट्रो से, तो मेट्रो के गेट नंबर 1 से आपको आना है, वहाँ पे सर्विस लेना है, वहाँ पे से आप पूछेंगे तो आप इसलिए पहुँच पाएंगे। लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन, लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 गेट नंबर नियर पर। ओके, और एक बार टाइमिंग और बता देना। टाइमिंग अगर आप दोपहर 12 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, फिर इवनिंग में 7 to 11 इवनिंग में 7 to 11। और एक बार अपना फोन नंबर और बता देना, क्योंकि लोग हो ना यहाँ पे काफी सारे बूफे वगैरह है तो कंफ्यूजन हो जाती है थोड़ी सी। लिख सकते हैं 8860808 तो अगर किसी को भी यहाँ पे आना है तो आप भैया को डायरेक्टली कॉल करके भी आ सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे काव्या बूफे सर्च करके आएंगे तो काव्या बूफे के जस्ट अपोजिट ही पड़ता है, उन्हीं की नेक्स्ट ब्रांच है ये। सारा आइटम देख के हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि हम क्या लें या क्या नहीं, तो हमने डिसाइड किया कि हम सब कुछ थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं। तो मैंने इसमें सबसे पहले लिया था पनीर दो प्याज़ा, उसके बाद मैंने लिया काजू मटर मखाना जो ना मैंने कभी देखा था ना खाया था, एंड उसके बाद मैंने लिए पुलाव, एंड उसी में मैंने दाल मखनी डाल दी थी, एंड देन थोड़ी सी भिंडी, एंड उसके बाद आते हैं हमारे फ्राइड राइस, एंड देन आते हैं मंचूरियन जो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। एंड उसके बाद आते हैं हमारी चिली चाप, चिली चाप के बाद मैंने लिया था इनका पास्ता, एंड उसके बाद मैंने लिए थे स्प्रिंग रोल, एंड उसके बाद हमारी प्लेट पूरी इतनी भर चुकी थी कि मुझे दूसरी एक प्लेट लेकर आनी पड़ी जिसमें मैंने लिए थे नूडल्स, एंड उसके बाद थोड़ा सा रायता ले लिया था, एंड फिर मैंने लिया था गुलाब जामुन जो कि देखते मेरा मन कर रहा था कि मैं तभी उसको खा जाऊँ। एंड नान में इसमें इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बटर नान, आलू नान वगैरह, तो आप उनको बोल के बता सकते हो आपको कौन सी चाहिए। मैंने सबसे पहले इनकी ट्राई करी थी भिंडी बटर नान के साथ, एंड फिर मैंने ट्राई किया था काजू मटर मखाना जो मुझे लगा नहीं था कि मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था एंड यूनिक भी था थोड़ा सा। फिर उसके बाद मैंने इनकी पनीर दो प्याज़ा की ट्राई करी थी सब्जी, जिसकी ग्रेवी और टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। बाकी इनके पुलाव और दाल नॉर्मल जैसे बाहर कहीं होते हैं वैसे ही थे, ऐसा कुछ खास नहीं था इसमें। इनके चिली चाप बहुत अच्छी थी जब मैंने खाई थी। तो इनके चाइनीज मेन्यू में से सबसे पहले मैंने ट्राई करे इनके स्प्रिंग रोल जो कि टेस्ट में सही थे, बट ये थोड़े से ऑयली थे। इसके बाद मैंने ट्राई करे इनके नूडल्स, एंड अगेन इनके नूडल्स भी ज़्यादा अच्छे नहीं थे, ये बहुत ज़्यादा ड्राई थे, एंड इनमें नूडल्स वाला कोई स्पेशल टेस्ट भी नहीं था। तो नूडल्स खाने के बाद थोड़ा सा डिसअपॉइंट होकर मैंने सोचा कि इनका थोड़ा सा पास्ता ट्राई करके देखते हैं, एंड पास्ता टेस्ट में अच्छा था। तो इसके बाद बारी आती है वेज मंचूरियन ट्राई करने की। तो अगर सॉफ्टनेस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थे मंचूरियन, एंड टेस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। एंड इसके बाद जब मैंने इनके फ्राइड राइस ट्राई करा तो मैं फिर से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया। एंड इसके बाद मैंने ट्राई करा पनीर दो प्याज़ा राइस के साथ, एंड पनीर की जो ग्रेवी थी वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। एंड में खाया था हमने गुलाब जामुन जो इतना टेस्टी था। गोयल बूफे पे इनके फर्स्ट फ्लोर पे इन्होंने पूरी सेटिंग बना रखी है, तो अगर आपको 18 से 20 बंदों की गैदरिंग करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो जैसा कि हमने देखा, हमने उनकी सारी आइटम्स ट्राई करी और इतनी सारी आइटम्स थी, हम खाते खाते थक गए, लेकिन उनकी आइटम्स नहीं खत्म हो रही थी। तो अगर बात करें क्वालिटी की, तो जैसा कि आपने फूड रिव्यू में देखा होगा, उनके जो नूडल्स थे वो ज्यादा टेस्टी नहीं थे, बहुत ज्यादा ड्राई थे, और स्प्रिंग रोल जो थे वो टेस्ट में अच्छे थे बट थोड़े से ज्यादा ऑयली थे वो। और उनके जो फ्राइड राइस थे वो टेस्ट में ओके ओके थे, आई डोंट नो उनमें क्यों फ्राइड राइस वाला टेस्ट नहीं आ रहा था, बट इन सबको छोड़ के बाकी सारी जितनी भी आइटम्स थी वो टेस्ट में काफी ज्यादा अच्छी थी। तो इस बूफे का प्राइस था 199 रुपीज। आई नो ये बाकी जितने भी बूफेज हैं उनसे कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा है, बट अगर आप देखोगे तो इसमें आइटम्स भी आपको उन सब बूफेज से काफी ज्यादा मिलती है।
तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा इनके फर्स्ट फ्लोर पे गैदरिंग के लिए सिटिंग एरिया भी है। अगर आपको 18-20 लोगों का अगर गैदरिंग आप कराना चाहते हो तो आप इनके फर्स्ट फ्लोर पे करा सकते हो आराम से। और हमने बाकी जितने भी बूफेस ट्राई करे हैं उनमें कुछ भी मीठा नहीं था। इस बूफे में अगर पर्टिकुलरली बात करें तो इसमें एंड में हमें गुलाब जामुन भी मिला था जिसने पूरे एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा एनहांस कर दिया था। तो अगर इन शॉर्ट बताऊं तो अगर आपका बजट 200 रुपीस के अराउंड है ना और अगर आपको बहुत सारी चीजें ट्राई करनी है 200 रुपीस में, तो अगर आप कभी लक्ष्मी नगर साइड आते हो तो ये वाला बूफे जरूर ट्राई कर सकते हो। इसमें आपको काफी सारी आइटम्स मिल जाएंगी वो भी अंडर 200 रुपीस। अगर आपको ये बूफे और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। That's it for this video. Please like, share and subscribe to our channel. And we'll see you in the next one.